दिस इज द क्लास 7 साइंस चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज ओके पार्ट 2 इन पार्ट 1 वी हैव स्टडी अबाउट फिजिकल चेंज राइट कि फिजिकल चेंज है क्या होता है तो उसका स्टेट चेंज होता है राइट सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस ओके और अभी केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे राइट सो अ चेंज इन व्हिच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन ओके जैसे कि ये रॉड है ठीक है इसके ऊपर रॉड के जो आयरन का रॉड है उसके ऊपर क्या लगता है कांट लग जाता है ना जंग लग जाता है तो ये जो रस्टिंग रस्ट बोलते हैं उसे तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो भी क्या है एक केमिकल चेंज क्यों क्योंकि ये आयरन और एटमॉस्फेयर का जो पानी है उसके बीच में क्या होता है हाँ केमिकल एक्सचेंज होता है राइट केमिकल प्रोसेस होता है और इसकी वजह से उसमें काट लगता है राइट इफ यू हैव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस ओके आप अगर आयरन को ऐसे खुले में छोड़ दोगे तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का कोट लग जाएगा है ना आपके घर पे भी होगा राइट आपको पता है कार्ड की से दिस सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग उसको अंडरलाइन कर लो व्हाट इज रस्ट तो आयरन के ऊपर जो ब्राउन कलर का कोटिंग होता है उसे रस्ट बोलते हैं अंडरलाइन करो उसको जो यहाँ पे है ना रस्ट Thank you.
rusting. Iron gates of the park of farmland, मतलब कि पार्क है या कहाँ जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है वहाँ पे आयरन का अगर गेट लगाया है, बेंच लगाई है, वो सबके ऊपर आपने कभी कभी रस्ट देखा है, राइट? कि कलर है वो थोड़ा उखड़ जा वैसे उठ जाता है और उसके ऊपर पूरा रस्ट लग जाता है, राइट? ओके, सो दिस इज कॉल्ड रस्टिंग. ओके, एटमोस्फियर फॉर सम टाइम इन द किचन अ वेट आयरन पैन तवा ऑफन गेट रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम रस्ट इज नॉट आयरन. ओके, और ये जो रस्ट ऊपर लग जाता है ब्राउन कलर का, वो खुद आयरन नहीं है, ठीक है? वो क्या है, उसके ऊपर का एक ब्राउन कोटिंग है. इट इज द डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन व्हिच इट गेट्स डिपॉजिटेड. ओके, डिपॉजिटेड मतलब उसके ऊपर चिपक जाना, ठीक है? एक के ऊपर एक को चिपकाना, उसको डिपॉजिटेड बोलते हैं. तो आयरन है उसकी सरफेस के ऊपर रस्ट लग जाता है, ठीक है? तो उसे हम बोलते हैं डिपॉजिटेड, राइट? एनी प्रॉब्लम? लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस व्हेन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. ओके, और हमें पता है कि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, एक नई चीज कुछ बनती है, ठीक है? जैसे कि आयरन के ऊपर रस्ट लगता है तो ये जो रस्ट का मटेरियल है वो बनता है, राइट? तो कुछ नई चीज बनती, फिजिकल में कुछ नया नहीं बन रहा था, एक में से दूसरा चेंज हो रहा था. आइस में से वाटर बन रहा था, वाटर में से गैस, वापस से वाटर को अगर फ्रीज में डालो तो आइस, तो वो सब फिजिकल में कुछ नया नहीं बन रहा था. सिर्फ क्या था, होता था सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैसेस, राइट? केमिकल चेंज में क्या होता है, कुछ नई चीज बनती है, ठीक है? केमिकल मिक्स होके या कुछ चीजें दो मिक्स होके कुछ नया न्यू बनता है, ठीक है? सो एक्टिविटी 6.6, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थीन स्ट्रिप ऑफ रिबन मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप विद द सैंड पेपर. ओके, एक मैग्नीशियम की रिबन लेनी है, उसे सैंड पेपर से क्लीन करना है. सैंड पेपर पता है ना, जो कलर ऐसे घिसते हैं ना, उनको सैंड पेपर बोलते हैं. ब्लैक कलर आता है कार्बन पेपर, हाँ, कलर उखाड़ने के लिए. हाँ, वेरी गुड. एक्टिविटी 6.6, आप पढ़ो. Get a small piece of a thin strip ribbon of magnesium. Clean it deep with sandpaper. Bring the tip near a candle flame. It burns with a brightest white light when it is completed. Page number 60 पे है, activity 6.6 पढ़ रही है, ठीक है? सबको पता है ना. हाँ, get a small piece of thin strip of ribbon of magnesium. Clean it deep with अगर आपको पूछे कोई कि मैग्नीशियम की रिबिन को जलाएंगे तो वो कैसे जलेगा, तो व्हाइट कलर की लाइट से, ठीक है? नेक्स्ट, When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. Ash. Okay, जब वो completely burn हो जाएगा, तो उसके बाद लास्ट में क्या बचेगा? Powdery ash, मतलब राख, राख बचेगी, ठीक है? राख देखी है ना सबने? जलने के बाद जो चीज बचती है उसे ash बोलते हैं. Next, does the ash look like a magnesium ribbon? Right? क्या ash है वो magnesium ribbon के जैसे दिखेगी? नहीं, वो तो कैसा दिखेगा? लास्ट में जो पाउडर जैसा बचेगा वैसा है ना. मैग्नीशियम स्ट्रिप तो ऐसे पट्टी के जैसा होता है, राइट? नेक्स्ट, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फोर इक्विवेलेंट्स, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस O प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड. हाँ, सी, जब मैग्नीशियम रिबिन है उसको जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, मतलब जलाते हैं, तो उसे केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, केमिकल फॉर्म में? तो Mg मतलब मैग्नीशियम, उसे जब हम जलाते हैं तो O2 क्यों लिखते हैं पता है? क्योंकि कोई भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है? वो चीज जल रही है मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है? तो इसीलिए मैग्नीशियम के साथ O2 मतलब उसे जला रहे हैं मैग्नीशियम की पट्टी को, तब क्या मिलता है हमें? MgO2, ठीक है? मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये क्या है? दिस इज द मैग्नीशियम, राइट? ये लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझ के लिए है. और ये है ऑक्सीजन. ओके,
चलो नाउ ये पता चला आपको, तो इसमें से क्या बना, कुछ नई चीज बन रही है और एश राख, लास्ट में राख बचती है, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज हमें, हमने ये जो स्ट्रिप है उसको जलाया मैग्नीशियम की स्ट्रिप को, तो लास्ट में राख नई चीज बनी, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम की तो नहीं रही ना स्ट्रिप, कुछ नया बना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल चेंज। समझ में आ रहा है, यस और नो, बैठ जाओ। चलो नेक्स्ट इज द एक्टिविटी 6.7, यस पेज नंबर 61 पे एक्टिविटी, नहीं वो मैंने इसमें समझा दिया, एक्टिविटी 6.7 को डिमांडेड बाय द टीचर रिजॉल्व अबाउट द टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट टू पेट्रोल और नीला होता इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टंबलर और अ बेकर एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब फॉर अ स्मॉल ग्लास बॉटल ड्रॉप ऑन एयर और पेन घुसा रहा है पीछे से किसी को अगर लगी ना तो तुझे बाहर खड़ा कर दूंगी, ठीक है। ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव सेपरेटली कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस द ग्राउंड डिपॉजिट ऑन द आयरन लेयर इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट द रिएक्शन एज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू प्लस आयरन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन प्लस कॉपर ग्राउंड। ओके बस सी, इसमें आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, कि दो बीकर है उसमें क्या लिया है उन्होंने कॉपर सल्फेट, ठीक है। एक ऐसा बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट डिजोल्व, डिजोल्व मतलब कि डिजोल्व मतलब पानी के अंदर घुला हुआ, ठीक है, डाइल्यूट, डिजोल्व मतलब दोनों को मिला ना, और डाइल्यूट मतलब कि पानी के अंदर घुला हुआ, ठीक है। डाइल्यूट शुगर मतलब कि शुगर को पानी में घुलाया हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं कि ये पानी पानी में क्या डाइल्यूट किया है, शुगर, ठीक है। अगर पानी में नमक मिलाया है तो नमक को डाइल्यूट किया है, बेटे ऐसे बोलेंगे, समझ में आ रहा है। डाइल्यूट मतलब पानी के अंदर घुलाया हुआ और डिजोल्व मतलब दोनों चीज को मिक्स किया हुआ, ठीक है, सेम होता है। तो डिजोल्व अबाउट द टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, ओके, तो ऐसे बीकर में क्या डिजोल्व किया है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट। सिर्फ समझने के लिए है ये एक्टिविटी कि केमिकल चेंज होता क्या है, ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से, कॉपर सल्फेट, ओके, और कैसा कलर का होता है वो, ब्लू कलर का। जब उसके अंदर हम आयरन नेल डालेंगे, ठीक है, आयरन नेल मतलब कि खिला, ठीक है, आयरन का जो खिला होता है ना, वो आयरन नेल या फिर ब्लेड डालो, यहाँ पे आपको ब्लेड दिखाया गया है, राइट। तो ये दोनों रिएक्ट करके ये पूरा सॉल्यूशन है वो कौन से कलर का बन जाएगा, ग्रीन कलर का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कोई जादू नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रही है, ठीक है। आयरन Fe एंड CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट का लिक्विड था, उसके अंदर आयरन का नेल डाल, तो क्या होगा, ये जो Fe है ना वो यहाँ आ जाएगा और Cu को अलग कर देगा, तो FeSO4 बन जाएगा ग्रीन कलर का और Cu को अलग कर देगा कॉपर को, ठीक है, कॉपर को वो अलग कर देगा, ये प्रोसेस हो रही है, आपको सिर्फ समझना है आगे के स्टैंडर्ड में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 6.8 एक्टिविटी, नहीं विनेगर इन द टेस्ट ट्यूब ऐसे ही जब हम विनेगर में
विनेगर में जब बेकिंग सोडा हम ऐड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में, आप कोल्ड ड्रिंक जब खोलोगे ना तो उसके पानी में ऐसे ऊपर आता है ना बबल्स बबल्स बबल्स, तो वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो वो मतलब विनेगर में जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं ना तो उन दोनों के बीच केमिकल प्रोसेस होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो तब वो बबल्स होकर ऊपर आता है, वो पता है ना आपको। ओके, तो ये प्रोसेस है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर। यहाँ से रीड करना, तो ऊपर है वो अंडरलाइन कर लो। विनेगर को जब हम कराएंगे बेकिंग सोडा से तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो। जब विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये नहीं, टू लाइन करो, फिर 61 पेज पे जो लास्ट टू लाइन है ना वो हम रीड कर रहे हैं। द रिएक्शन बिटवीन, आप रीड करो, यस लास्ट टू लाइन, द रिएक्शन बिटवीन यू, हाँ
जरूरी है, राइट। चलो तो यहाँ पे केमिकल चेंज की आप डेफिनेशन लिखो। अ चेंज इन व्हिच, अ चेंज इन व्हिच, हाँ उसके नीचे लिखो, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट सीरीज ऑफ केमिकल चेंज, अ मेडिसिन इन द
आर स्टडी केमिकल चेंजेस, तो हर एक न्यू चीज है वो केमिकल चेंजेस से बनती है, ठीक है। जलवायु में वी हैव, यहाँ से 62 पेज नंबर से वी हैव सीन,
रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, तो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग रिप्रेजेंट बाय, तो रस्टिंग को हम केमिकल प्रोसेस से कैसे दिखाएंगे, तो आयरन, ठीक है, आयरन मतलब लोहा, आयरन Fe. ओके, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, एंड वाटर के साथ, तो क्या होता है, वाटर मतलब H2O. ओके, तो क्या होता है, Fe2O3. ओके, रस्ट, रस्ट लगता है, राइट. सो फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल. ओके, तो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों एसेंशियल है. ओके, इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज हाई, विच मीन्स इट इज मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर. ह्यूमिड मतलब कि एयर में पानी का पोर्शन कैसा है, राइट. चलो नेक्स्ट, अनदर वे इज टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड जिंक ऑन द आयरन. ओके, एंड दूसरा एक है कि जिंक, क्रोमियम एंड जिंक का जब हम आयरन के ऊपर डिपोजिट, मतलब एक के ऊपर एक लगाना, ठीक है, तो क्रोमियम एंड जिंक जैसे मेटल हम आयरन के ऊपर चिपकाते हैं, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन. ओके, चलो लिखो, गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन लिखो. ये सिर्फ समझ के लिए था, ठीक है, इक्वेशन. तो केमिकल चेंज का एक और एग्जांपल है गैल्वेनाइजेशन. तो यहाँ पे आप लिखो, हम लोग
करेंगे. ओके हम लोग ये जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 65 पे वो सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे. ओके थैंक यू एवरीवन.